गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 29th of January और हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए, विच इज दिल्ली, मतलब नोएडा, दिल्ली हर्ष और प्रहलाद के लिए दिल्ली मेरे लिए नोएडा। तो अभी सुबह के बज रहे 7:30 और हम लोग लखनऊ से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर रहेंगे, है ना, 50-60 होगा ना यहाँ से। तो हमने एक्चुअली क्या कि सुबह सुबह निकल गए थे जल्दी, 4:15 में निकल गए थे हम लोग, 4 बजे उठे थे, 4:15 में निकल गए, क्योंकि ये जो लखनऊ से बनारस के बीच का जो रास्ता है ना, ये ऑलमोस्ट सिंगल लेन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पूरा बाजार गांव इन सब के बीच से रास्ता जाता है। तो हम लोग का प्लान था कि मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हम लोग काट लें ताकि ये वाला रास्ता अच्छे से कट जाए और उसके बाद लखनऊ के बाद पूरा एक्सप्रेसवे है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो एक्सप्रेसवे में कोई दिक्कत नहीं होता है, कितनी भी गाड़ियाँ आ जाएँ गाड़ी अपनी आराम से निकल जाएगी, तो वो प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने काट लिया है, विच इज़ गुड। 8 बजे तक आई थिंक 8:30 तक लखनऊ पहुँच जाएंगे और क्रॉस कर जाएंगे उसको। तो ये हमारा प्लान था और सही बैठा है फिलहाल अभी तक। एक बार रुक के हम लोग चाय पी चुके हैं और दोबारा रुकने का प्लान है, लखनऊ के आसपास रुकेंगे हम लोग चाय पीने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जर्नी बढ़िया जा रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि मुझे आ रही थी नींद और मैं थोड़ी सी नींद मार भी चुका हूँ, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब है सोने नहीं दे रहे, जब सो रहा हूँ तो उछाल दे रहे हैं कहीं से, इसके चलते थोड़ी सी दिक्कत। रोड ऐसा बाउंसी है तो हम क्या करें, नितिन गडकरी बनो और रोड को सही करो, बाउंसी रोड से काम नहीं चलेगा। एक तो रोड बाउंसी है, ऊपर से लोग बीच में घुस जा रहे हैं आगे, ट्रक वाले, सारे ट्रक वाले सो रहे हैं लग रहा है, रह रहे हैं ऐसे, उनका लेन चेंज हो जा रहा है, ऐसे बीच में आ जा रहे हैं, कभी इधर है तो कभी इधर आ जा रहे हैं, तो वो सब देख के चलना पड़ रहा है। घर जाते समय ऐसा रहता है ना कि थोड़ा एक्साइटमेंट कम रहता है, फटाफट घर पहुंचो और रिलैक्स करो, यही प्लान रहता है। और ठंड लग रही थी तो चादर वादर लेके बैठा हूँ मैं, सनराइज अच्छा खासा हो चुका है तो अब मतलब ठंड नहीं लगेगी, तो ये चादर का उतना कोई ज़रूरत है नहीं। तो 8:15 हो रहा है एंड फाइनली वी हैव रीच्ड लखनऊ। यहाँ से और 5-6 घंटे लगेंगे घर पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो फिर हाईवे ही है। अभी हम लोग लखनऊ सिटी के अंदर है, तो आप सिटी के नज़ारे ले लो, खाली खाली है, ये सिटी का आउटस्कर्ट एरिया ही है ऑलमोस्ट। और अभी हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए तो ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। बस ये आप जाइए, यहाँ से 4 बाग मिलेगा, वहाँ पे खाइए खाना, निकलते रहिए, लेकिन हम लोग को जाना है सीधा, ठीक है, और कुछ उसके बाद से चाय पीते हैं और लखनऊ पे गाड़ी देते हैं, सौंपते हैं आप लोग को, हाँ। जीवन आप अपना संवारिए और आप सोएंगे, और आप सोएंगे, सोएंगे तो नहीं लेकिन बैठेंगे, बहुत चला लिए हैं, मोर देन इनफ 400 किलोमीटर था सिंगल लेन ऑल्सो, उसमें 200 तो सिंगल लेन होगा, 167 था प्रिसाइज। तो अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय ब्रेक, क्योंकि चाय पीना ज़रूरी है, अब कंटिन्यूसली 300-400 किलोमीटर चलने के बाद तो एटलीस्ट चाय बनता है हमारे लिए। गाड़ी का देख लो भाई साहब क्या हाल हुआ, गंदा कितना है, हालत खराब हो गई, आ गया ये तो डल जाएगा, नहीं डलेगा, ये शीशा पूरा गंदा था, इसको हम लोगों ने सुबह साफ किया था आने से पहले, आगे और पीछे दोनों। भैया भाई इसमें हवा चेक करने था, चारों में चेक करता, चलो 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 चाय पीने चलो। अब यहाँ से ड्राइवर चेंज, हर्ष करके रेस्ट और मैं चलाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से जहाँ तक मैं चलाऊंगा वहाँ तक, उसके बाद फिर ड्राइवर चेंज हो जाएगा, तीसरा ड्राइवर है वो भी चलाएगा, हम लोग मिला मिला के चलाते हैं, ऐसे किसी पे बर्डन भी नहीं आता और आराम से पहुँच जाते हैं। चले सर, हाँ चलिए चलिए चलो चलो। Thank you.
इधर से घुसाइए, उधर आगे देखिए जहाँ भी जगह दिख रहा है लगा दीजिए। सो अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं क्योंकि आ रही थी नींद, और मैं गाड़ी चला रहा था मुझे इतनी नींद आ रही थी कि फिर मैंने प्रहलाद को दे दिया चलाने के लिए, और यहीं लगा दें मैं। हाँ यहाँ यहाँ पर लगा दीजिए। तो फटाफट हम लोग चाय वाय पीते हैं यहाँ से और फिर हम लोग आगे जाएंगे, और अपना लंच रहेगा घर पे। यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट हम लोग लेके आए हैं खाने का, लिट्टी एंड चोखा। चोखा तो नहीं खाएंगे पर लिट्टी जरूर खाएंगे। तो हम लोग का चाय यहाँ पे आ चुका है, अंदर जाके चाय लेना पड़ा था, अंदर में फूड कोर्ट है, देर आर अलॉट ऑफ ईटिंग ऑप्शन देर, और चाय मिला है जो कि बहुत ज़्यादा घटिया चाय है। कच्चा चाय है और साथ में हम लोग लिट्टी एंजॉय कर रहे हैं, चाय और लिट्टी, वाह ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। देखो हमारे हर्ष जी कितने मेहनती है। बोतल काट के इसको मग बना लो। देखो गाड़ी इतनी गंदी है ना भाई, इतनी गंदी है ना कि चलाने का मन नहीं कर रहा, इतनी गंदी गाड़ी। जैसे तैसे हम लोग चला के लेके आए हैं, घर जाके ही सफाई होगी इसकी। वाइपर मारी है तो चलो। कौन आया है? इसका लग रहा कोई और भी आया। हाँ हाँ ठीक है कौन आया मैक्स?